और आप देख पा रहे होंगे कि जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लिक्विड की बॉटल का भी टिकटिंग को तोड़ दिया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए एक तरफ जहाँ पे पुतले दहन किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, से बौछार कर दी गई है पानी की तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर। तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर ये पानी की बौछार की जा रही है। यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ता और ज्यादा ना आगे जा पाए, क्योंकि आगे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक तरफ घर है, तो वहीं देखिए तमाम जो और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ये प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन जो है, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जो जनता है वो अग्रसर हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ, आप देख रहे होंगे जो, और लगातार नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। और वहीं अगर हम आगे की तरफ देखें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है, और आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लिक्विड की बॉटल का भी देखिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर की तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी है, कार्यकर्ता है, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आदेश गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा और तमाम जो कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर, यानी कि बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दूसरी साइड जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फोर्स की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे ना बढ़ पाए। जिस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए आप कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे, और इसी के साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ वो बैरिकेडिंग पर भी बैठे हुए हैं कि वो कैसे दूसरी तरफ जाए। देखिए एक तरफ जब तमाम करता है तमाम कार्यकर्ता जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार धक्का दिया जा रहा है बैरिकेडिंग को, इधर की दूसरी तरफ धकेला जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को, जो कि कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर की तरफ जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बैरिकेडिंग को लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से धक्का दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली के जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान लगातार कोशिश की जा रही है इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की। इसके साथ आप देख रहे होंगे कि दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, और
जो पुतले लाए गए हैं उन्हें भी बैरिकेडिंग के पास खड़े कर खड़े हैं तमाम कार्यकर्ता, जिन्हें दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार दूसरी तरफ धकेल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जो ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कार्यकर्ता है वो लगातार देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता एक दो जा रहे हैं उन्हें भी दिल्ली पुलिस जो है वो दूसरी तरफ फेंक रही है, है जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है। और इसी के साथ आदेश गुप्ता को भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग के बीच में वो अभी बैठे हुए हैं और उन्हें भी दूसरी तरफ जो है धक्का दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो कैसे ना कैसे करके बैरिकेडिंग को पार करें। देखिए जिस तरीके से ये जो तमाम जो प्रोटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कार्यकर्ता है उनका लगातार आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगातार नारेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग को मजबूत बनाए रखने की रही है कि बैरिकेटिंग को तोड़कर कोई भी आगे ना बढ़ पाए। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, धक्के मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है बैरिकेटिंग को तोड़ने की, कि इस बैरिकेटिंग को तोड़कर तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसीलिए ये कार्यकर्ता इस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, इस बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए इस बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुतले और तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार आगे इस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ। जिस तरीके से यहाँ पर सवेरे से प्रोटेस्ट किया जा रहा था दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, जिस तरीके से नाम सामने आया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, और इसी पूरे प्रकरण को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। देखिए एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है तो वहीं दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ ये तमाम कार्यकर्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए यहाँ पर पुतलों को जला दिया गया है, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुतले को जला दिया गया है यहाँ पर। विधानसभा के बाद लगातार इस पूरे मुद्दे पर तरफ तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। केजरीवाल चोर है।
और देखिए फिर से पुलिस की तरफ से यहाँ पर पुलिस की तरफ से बौछार कर दी गई है पानी की तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर ये पानी की बौछार की जा रही है। यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ता और ज़्यादा ना आगे जा पाए, क्योंकि आगे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक तरफ घर है, तो वहीं देखिए तमाम जो और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरीके से। लो बना चला सारा भींग गए। देखिए बौछार के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा हो चुके हैं दूसरी बैरिकेटिंग के पास। देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फिर एक बार ये जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ बौछार के बावजूद भी कोई कार्यकर्ता यहाँ से टस से मस होता हुआ नजर नहीं आया है। जिस तरीके से फिर से एक बार यह तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। कैमरा भी गा दिया सर। कार्यकर्ताओं को भी गाने, कैमरा वालों को भी गाने। Thank you.